स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। नाउ ओपन योर न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3। एज यू नो, टुडे वी स्टार्ट विद द सेकंड लेसन, सेकंड पार्ट, प्ले टाइम, यानी कि खेलने का वक्त। ओपन योर पेज नंबर 21। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेड द वर्ड्स टू नो। बेस, द स्टार्टिंग प्लेस और गोल इन गेम्स, यानी कि जो स्टार्टिंग प्लेस होती है गोल करने की या गेम्स खेलने की, उसे हम कहते हैं बेस। बीडी, स्मॉल राउंड एंड ग्लेमिंग, यानी कि जैसे बीज होते हैं, स्टोन्स होते हैं स्मॉल और छोटे गोल गोल, उसे हम कहेंगे बीडी। कैप्चर्ड, कैद करना। गॉट होल्ड ऑफ समथिंग और समवन। डिफीट, हैविंग बीन बीटन इन बैटल और कॉन्टेस्ट, यानी कि फतह हासिल करना। फेरोकियस, सेवेगली, फैर्स, वॉयलेंट और वाइल्ड, यानी कि वैशी, ठीक है। लायर, अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल लिव्स। मिशन, एन इम्पोर्टेंट टास्क दैट समवन इज सेंड समवेयर टू डू, यानी कि कोई ख़ास काम जो किसी खास जगह पर जाकर किया जाए। मस्ट एट समथिंग लाउडली, इनके ऊंची आवाज़ से खाना। स्नोजिंग, नोपिंग और रेस्टिंग, नोपिंग जैसे वो इंसान थक जाता है तो स्नोजिंग करता है, ठीक है। नाउ स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन। बाय द गार्डन शेड माई सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग अ गेम एंड आई वॉज अ स्पे, इनके गार्डन में वो दोनों बहन भाई खेल रहे होते हैं और वो पुलिस बना होता है और उसकी सिस्टर जो होती है वो चोर बनी हुई होती है। आई हैड अ मिशन वाइल शी गार्डेड बेस, तो उसके पास एक काम होता है, एक मिशन होता है जो गार्डेड बेस होता है। आई हैड टू गेट गोल्ड फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस, यानी कि जहाँ बाग में वो खेल रहे होते हैं चोर सिपाही, और वो गार्डन में जो सेब दरख्त पर लगा होता है उसे वो कहती है गोल्ड, कि मैं एक ख़ास जगह से, खुफिया जगह से गोल्ड को चुराऊंगी। द गोल्ड वॉज टू एप्पल्स ऑन द बिग ट्री, गोल्ड क्या है, एक दरख्त पर जो दो सेब लगे हुए हैं उन्हें उसने गोल्ड कहा है। बट इन आवर गेम दे वर रियल गोल्ड टू मी, लेकिन हमारी गेम में ये क्या होंगे, रियल गोल्ड होंगे हमारे लिए। अगेन बीस्ट वॉज अस्लीप इन द वे, गेंट मतलब बहुत ज़्यादा लंबा आदमी जो है वो सो रहा था रास्ते में। इफ़ आई वॉक हिम अप, अगर हमने उसे उठा दिया, आई बी श्योर टू पे, तो हमें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। द बीट्स वॉज फेरियस, क्वाइट, मैड एंड बैड, ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक खौफनाक शख्स ने नज़र आ रहा था, ठीक है, मैड और पागल और बुरा जो कि खामोश से बैठा हुआ था। बट रियली द बीट्स वॉज वेरी स्नोजिंग डैड, और इसी तरह से उनके जो फादर थे वो भी स्नोजिंग करते या रेस्ट कर रहे थे। आई क्रैप पास द बशेस ट्विस्ट लाइक वायर, कि मैं झाड़ियों के पीछे जाऊंगी और आहिस्ता से उससे मोड़ूंगी। एंड राउंड द लो वॉल ग्लोइंग वार्म लाइक फायर, और जो उसकी दीवार होगी वो गर्म हो जाएगी आग की तरह। स्टूडेंट्स, आज का हम अपना इतना ही रखते हैं लेक्चर, इसके साथ ही हमने जो कुछ वर्ड्स मिलेंगे वो भी हमने आज करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्नोजिंग तक, तो आपके वर्ड्स नो में वर्ड्स मीनिंग आ जाएंगे। नाउ वी स्टार्ट विथ स्पे, मिलिट्री, यानी कि सिपाही बना होता है। गार्डेड टू प्रोटेक्ट, यानी कि जो हिफाजत कर रहा होता है। गेंट, अ वेरी लार्ज पर्सन, बहुत लंबा आदमी। बीट्स, वॉलेंट्री मूवमेंट, इनके आजादाना हरकत करना। क्रैप्ट, वेरी थिंग पैनकेक, यानी कि बहुत पतला जो केक होता है उसे हम कहते हैं क्रैप्ट। बीडी, बटन। स्ले, मार्क बाय स्किन इन
deception. Yell, loud utterance. Monster, someone. Escape, to run. Shade, used for shelter. Treat, something, consider, choice to eat. Okay students, ये words meaning है. आपने इसको अच्छे से अपनी नीट कॉपी करना है, लेकिन अपना जो टैग पेज है इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले बनाना नहीं भूलना. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.